कैसा लगा ये स्लाइड शो? मजा आया ना, दिल भरा आया ना? हर किसी का दिल भरा था जो इस तरह के प्राकृतिक लैंडस्केप और इन चीजों को देखता है जिनमें सिर्फ नेचर ही नेचर हो। रिसर्च ये कहता है कि अगर आप एक घंटा प्रकृति के साथ लगे रहते हैं तो आपकी मेमोरी और अटेंशन दोनों इंप्रूव होती है बाय 20%। मजेदार है ना? देसी सो में स्वागत है। आज प्रकृति के बारे में ही बात करेंगे। और पता है इस एपिसोड का इंस्पिरेशन कहाँ से आया है? पिछले एपिसोड में याद है मैंने प्रकृति के बारे में बात करा था, याद है? जी हाँ, वही, उसी से आया था इंस्पिरेशन। रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचर। आज से करीबन 54 करोड़ साल पहले कार्बोनिफेरस पीरियड में जब पेड़ पौधे आना शुरू हुआ इस पृथ्वी में, तब छोटे छोटे एनिमल्स थे, यानी छोटे छोटे रेप्टाइल्स, कुछ एम्फीबियंस, ये सारे इस पृथ्वी पर थे। उसके बाद जब अगला एरा यानी मेसोजोइक एरा आया और उस मेसोजोइक एरा के अंदर ट्रायसिक पीरियड में बड़े बड़े रेप्टाइल्स आ गए, यानी उस वक्त डायनासोर्स आ चुके थे। तो उसमें हर्बीवोरस डायनासोर्स भी थे और कार्निवोरस डायनासोर्स भी थे, काफी लड़ाइयां हुई। उसके बाद जब ह्यूमन बींग्स आए इस पृथ्वी पर, तब मजेदार बात हुई। रेप्टाइल्स और ह्यूमन बींग्स के बीच बड़ी संघर्ष हुई। ह्यूमन बींग्स यानी इंसान बचना चाहते थे और बड़े रेप्टाइल्स उन्हें मारना चाहते थे। इंसानों ने किसका सहारा लिया? प्रकृति का। जो इंसान ऊपर तक चढ़ सकते थे, पेड़ों पर चढ़ के कुछ छुप गए, कुछ डार्क केव्स यानी उस गुफे के अंदर कहीं छुप गए, तो प्रकृति में ही कहीं घुल मिल गया, जिसकी वजह से इंसानों ने प्रकृति से सहारा लेकर बचना शुरू किया। और जिस तरह से उनका यह लगाव शुरू हुआ, कहा जाता है कि रिसर्च में यही साबित होता है कि इसी तरह से इंसान प्रकृति के बीच घुसना शुरू किया। और जिस तरह से ये सब कुछ हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसी बीच एक और इम्पोर्टेंट बात होगी, वो ये है कि नेचुरल फिनोमेनन भी होने लगे, यानी थंडर, लाइटनिंग वगैरह। और इन नेचुरल फिनोमेनन से भी इंसानों को बचाने वाला सिर्फ ये प्राकृतिक चीजें ही थी, यानी ये डार्क केव्स वगैरह वगैरह। तो इस तरह से इंसान का जो पहला रिश्ता शुरू हुआ प्रकृति से, ऐसे ही हुआ। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस एवोल्यूशन का फायदा क्या हुआ? जो इंसानों का जो रिश्ता शुरू हुआ प्रकृति के साथ, इसका क्या बेनिफिट हुआ? बेनिफिट ये था कि इंसान अब प्रकृति के साथ घुलने मिलने लगे थे, प्रकृति से अलग होकर नहीं रह सकते थे। जो सबसे बड़ा बेनिफिट है आज के डेट में, वो ये है कि इंसान अगर प्रकृति में घुलता मिलता है तो हमारे शरीर से एक हैप्पी हार्मोन निकलता है जिसे एंडोर्फिन्स कहते हैं। इसलिए आप जब पहाड़ों के ट्रेल्स में, तो आप करीबन 20-25 मिनट, आधा घंटा चलते हैं, तो आपकी थकान होती है, उसके बाद आपको एक अच्छा फील होता है, वाओ, आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए आप जब पहाड़ों में चलते हो, घूमते फिरते हो, ट्रेकिंग करते हो या फिर पैराग्लाइडिंग वगैरह करते हो, तो आपको बहुत खुशी मिलती है। आप वीडियोस वगैरह अपलोड करते हो सोशल मीडिया में, इसे हाईलाइट करते हो, लोगों को बताते हो, फ्रेंड्स को वीडियो भेजते हो, फोटोग्राफ्स भेजते हो कि आई एम ट्रैवलिंग, आई एम हॉलीडेइंग समवेयर। यही वो मजा है प्रकृति का। हर किसी का अपना काम है। तो आप क्या कर सकते हो कि वंस और ट्वाइस इन अ ईयर आप किसी हिल साइड रिजॉर्ट या रिवर साइड रिजॉर्ट या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पर बीचेस हो, समंदर वगैरह वगैरह, इन प्राकृतिक चीजों से आप टच पे रहकर कोई ऐसा हॉलिडे कर सकते हो जिससे आपको थोड़ा सा सुकून मिले, आपका स्ट्रेस निकल जाए और आपको अंदर से खुशी मिले। आपका बेसिकली एंडोर्फिन्स ही तो रिलीज करना है, और इन चीजों को करने से शायद आपके अंदर वो खुशी अंदर से आएगी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप हॉलिडे ना कर सको, मगर आप अपने पार्क में, आसपास के पार्क में जाकर आप जॉगिंग कर सकते हो। अगर आप आधा घंटा जॉगिंग करते हो उस पार्क में जहाँ पेड़ पौधे हो, चिड़ियों की आवाज आती हो, या ऐसा हो कि वहां पर कुछ नेचुरल लैंडस्केप्स हो,
टीले वगैरह हो, वहां पर आप बैठकर थोड़ी देर आराम फरमा सकते हो, थोड़ी देर जॉगिंग कर सकते हो, तो फिर से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, आपको खुशी मिलेगी। और हाँ, अगर आप आंखों को थोड़ा टाइम दोगे इन चीजों को देखने के लिए, कभी कभी आपने देखा होगा पहाड़ों पर जब भागते हो, जब आप ट्रेकिंग करते हो या फिर भागते हो, एज कम्पेयर टू जब आप गाड़ी में चलते हुए जाते हो, तो आपको तब ज्यादा खुशी मिलती है जब वॉक करके जाते हो, बिकॉज आंखों को ज्यादा टाइम मिलती है उन चीजों को देखने के लिए, वो चीजें ब्रेन तक पहुंचती है और ब्रेन तक सिग्नल्स जाने के बाद वो हैप्पी हॉर्मोन्स निकलते हैं। इसलिए आंखों तक वो चीजें आनी जरूरी है, और ज्यादा जितनी देर तक वो आंखों में रहेगी उतनी देर तक आपको खुशी मिलेगी। कभी कभी ये भी पॉसिबल नहीं होता, तब आप अपने घर पे अपनी वॉल्स को डेकोरेट कर सकते हो नेचुरल चीजों से, स्टिकर्स लगा लो, कहीं पेड़ पौधे लगा दो स्टिकर्स, एनिमल्स ग्रेजिंग या फिर वाइल्ड एनिमल्स ट्रैवलिंग। एक और चीज आप कर सकते हो, अगर आप अपने ड्राइंग रूम पे हो, एरिया ज्यादा है, आपके पास जगह है, तो आप अपने पॉटेड प्लांट्स अपने घर पे लगा सकते हो, उनको ग्रो करते हुए देख सकते हो, तो बड़ी खुशी मिलती है एक छोटे से प्लांट को अगर आप ग्रो करते हुए देख रहे हो अपने सामने, अपने आंखों के सामने, बड़ी खुशी मिलती है। तो ये भी है। और हाँ, आपके पास अगर बहुत बड़ा गार्डन है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेड़ों को लगाओ, पौधों को, बीजों को लगाओ, उनको बढ़ते हुए देखो, पानी डालो उनमें, बहुत मजा आएगा उनको आप ग्रो करते हुए देखो। अगर आपके सामने कोई पौधा ग्रो करता हुआ अगर आप देखोगे और उसमें 2 सालों में 3 सालों में अगर फल आ जाए, जैसे मैंगो ऑरेंज फल आ जाए, तो आज का सोचो फंडा ऑफ द वीक बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि ये पंछियां आसमां में तारे लगते हैं, ये पंछियां आसमां में तारे लगते हैं, गिनती करो तो कितने हजारों लगते हैं, जी हाँ, गिनती करो तो कितने हजारों लगते हैं, पहाड़ों की सीमाओं का अंत नहीं है जैसे, पहाड़ों की सीमाओं का अंत नहीं है जैसे, उन पर फिसलते बर्फ बड़े प्यारे लगते हैं, नदियों में डुबकी ले सोचे कहीं तैर आते हैं, नदियों में डुबकी ले सोचे कहीं तैर आते हैं, कश्तियों में छोटे छोटे घर जजीरे लगते हैं, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे लिख के बताना कमेंट बॉक्स में। अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पर चाहिए ये भी बता सकते हो आप, और हाँ, मेरी वेबसाइट के थ्रू भी आप अपने व्यूज, अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं मुझे। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर लो, और बेल बटन भी प्रेस करना नहीं भूलना। और एक जरूरी बात, कीप शेयरिंग, तो इन ज्ञान की चीजों को लोगों तक पहुंचाइए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को शेयर करें, और जब तक ये अगला वीडियो नहीं आता तब तक फिर से वही, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।